खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान के न्यूज संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के एमसीडी इंचार्ज दुर्गेश पाठक से खास बात की। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मौजूद है बात करने के लिए दुर्गेश पाठक जी, और बात करते हैं दुर्गेश पाठक जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाकर दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन टाले जा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करे, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। बीजेपी डर गई है, बीजेपी भाग रही है, उसे पता है कि आज चुनाव हो गए तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, 0 सीटें आएंगी उनकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन रोक रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसका, आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, दिल्ली की जनता इसका विरोध कर रही है, और हमारी एक ही मांग है एमसीडी के इलेक्शन कराए जाए पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाकर वो इलेक्शन को हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। निगम चुनाव कभी भी किया जाए बीजेपी पूरी तरह से हारेगी। हाँ, बीजेपी को 0 सीट आएगी। तो ये तो हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कह रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी समय अनुसार चुनाव कराती है चुनाव आयोग, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त की जाएगी। पीएनएच इंडिया के लिए कपिल मेडी।